हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डायरी ऑफ मंजरी। तो कैसे हैं आप सब, कैसी चल रही है आपकी दिवाली की तैयारियां? अच्छी ही चल रही होंगी, वैसे सब साफ़ सफाई करके तो आई थिंक फ्री हो गए होंगे और अब तैयारी कर रहे होंगे दिवाली की कि क्या पहनना है, कैसा लुक रखना है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये गो टू क्विक मेकअप लुक जो मैंने अभी किया हुआ है। इसका ट्यूटोरियल आगे हम आप वीडियो में देखेंगे कंटिन्यू। तो ये जो मेकअप लुक है बड़ा ही अच्छा है और एकदम क्विकली हो जाता है। ये मैं कब करती हूँ, जैसे कि अब फेस्टिवल सीज़न है आगे, तो इसमें रोज़ मॉर्निंग में ही आपको अच्छा अच्छा रेडी होना रहता है। और यदि आप भी मेरी तरह एक होम मेकर है और आपको बस सुबह से रेडी होकर फटाफट घर के कामों में लगना है, तो आप ऐसा लुक क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत टाइम तक, काफ़ी लॉन्ग टाइम, मैं तो बोल सकती हूँ कि पूरा दिन भी ऐसा ही मेकअप रहता है, तो आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। और इसे कैसे क्रिएट करना है ये हम आगे देखते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है। और हाँ, यदि आप चाहें तो वो जो ऊपर दिख रहा है बेल आइकॉन, उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा जिससे आप उसको फटाफट देख पाएंगे। तो फर्स्ट मैं आपको सबसे पहले प्रोडक्ट्स बता देती हूँ जो मैं एक रेगुलर मेकअप के लिए यूज़ करती हूँ। लाइक कहीं भी जाना है, क्विक रेडी होना है, तो उसके लिए जो मैं प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, तो ये मेरी क्रीम मॉइस्चराइज पॉन्ड सुपर लाइट जेल। मैं इसको रेगुलर भी यूज़ करती हूँ ऐसे भी रोज एज मॉइस्चराइज़र, और मेकअप के पहले भी यूज़ करती हूँ। और क्योंकि मुझे मैबेलिन के प्रोडक्ट्स अभी तक सबसे ज़्यादा पसंद है, मैं 5 साल से यूज़ कर रही हूँ। तो ये है मेरा इसका लूज पाउडर फिट मी का, और एज सेम मेरे शेड का मेबेलिन फिट मी का क्या बोलते हैं इसको, सॉरी कंसीलर। मैं कंसीलर को ही यूज़ करके पूरा मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ, क्योंकि मैं फाउंडेशन रेगुलर में नहीं यूज़ करती। स्पेशल ओकेजन या मुझे कुछ बहुत हैवी लुक देना है तभी मैं यूज़ करती हूँ। और बाकी सब बस यही ब्रश वगैरह है और हल्का सा मुझे मस्कारा यूज़ करना पसंद है। आपको पसंद हो या नहीं पसंद हो, लाइनर मस्कारा दोनों भी, ये भी मैबेलिन के ही है और मस्कारा है हाइपर कर्ल वाटरप्रूफ। और ऐसा हल्का सा मुझे हाइलाइटर यूज़ करना भी पसंद है। ये हाइलाइटर तो ऐसा ही स्विस ब्यूटी का है, बट ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये ऐसा यूज़ करना बड़ा अच्छा लगता है। थोड़ा सा लगा लो तो हैवी सा लुक आ जाता है, अच्छा लगता है। और ये मेरा फेवरेट क्रीमी ब्लशर जस्ट हर्ब का, इस पर मेरी बिंदी लगी हुई है। तो ये मैं हमें रेगुलर भी ऐसे भी यूज़ करती हूँ, मतलब जैसे मुझे रोज़ भी रेडी रहना होना रहता है, तो मैं बस क्रीम लगाया और फिर उसके बाद मेरा लूज पाउडर थोड़ा सा और हल्का सा ब्लश लगा लेती हूँ, तो वो ब्लश से थोड़ा सा अच्छा लुक आ जाता है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझको ब्लश सूट करता है। और ये मेरी गो टू, अगर मेरे क्या बोलते हैं आईब्रोज भी नहीं बने रहे तब भी मुझे काम आता है आईब्रो पेंसिल। मैं ब्राउन आईब्रो पेंसिल यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे ब्राउन यूज़ करना पसंद है और अच्छी भी लगती है ब्राउन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं मॉइस्चराइज क्रीम लगाऊंगी। मैंने फेस वॉश कर लिया है और मैं निविया का क्या नाम है उसका, निविया का मिल्क डिलाइट, उसका मैं संभव फेस वॉश यूज़ करती हूँ। ऐसे फिट मी मैबेलिन का ही प्राइमर। बिल्कुल हल्का सा प्राइमर लेंगे, मैं आपको उसकी क्वांटिटी बताती हूँ। देखिए मैंने कितना सा प्राइमर लिया है। और मैं सीरम वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि वो मुझे ऐसा लगा कि मुझे वो सूट नहीं करता। मैंने 2-3 टाइप के विटामिन सी वगैरह के सीरम यूज करके देखे लेकिन मुझे वो सूट नहीं हुआ। पर यदि आपको सूट करते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं और आप करते भी होंगे। फिर डायरेक्ट अब प्राइमर अप्लाई करने के बाद मैं ये कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। तो कंसीलर मैं कैसे अप्लाई करूँगी, अंडर आई, नोज पे, नोज के कॉर्नर्स पे, लिप्स के कॉर्नर्स पे, थोड़ा सा चिन पे, और ये 2 लाइन्स मैं दूँगी यहाँ चिक पे इसकी, और ये फॉर थोड़ा सा
जो ये मेकअप ब्लेंडर होता है इसको हमें गीला कर वेट करके यूज़ करना चाहिए, बट हमेशा हम इसके लिए बेसिंग के पास नहीं भाग सकते, तो इसलिए मैंने ये हल्का सा इसमें क्या बोलते हैं एक कंटेनर में रोज़ वाटर को फिल करके रखती हूँ मैं, ताकि यू नो आई एम अ मॉम, सब काम जल्दी जल्दी चाहिए होता है। अब इसको हम प्रॉपर हम ब्लेंड कर लेंगे। अब मैं अप्लाई करूँगी लूज़ पाउडर। अब हम लूज़ पाउडर अप्लाई करेंगे। तो लूज़ पाउडर मैं सबसे पहले अंडर आई को कवर करूँगी इससे, और हल्का हल्का पूरे फेस पे। मैंने लूज पाउडर अप्लाई कर लिया है। अब मैं लगाऊंगी हल्का सा ब्लश, जस्ट हर्ब, ये क्रीमी ब्लश है। इस तरह से मैंने हल्का सा चिप्स पे एक हाथ जिस तरह से नोज पे कर लिया, चिन पे कर लिया, बस लेट्स इट। इतना ही ब्रश में अप्लाई करूँगी और इतने में बहुत अच्छा लुक आ जाता है। और ये स्विस ब्यूटी का लाइटर है आई शेडो, तो इससे मैं सबसे लाइट वाला शेड, जो ये सबसे लाइट शेड है, इसको ही यूज़ करूँगी। और बहुत हल्का हल्का सा मैंने आई शेडो में अप्लाई करा है। अब मैं लगाऊंगी हल्का सा लाइनर, ये भी मैबलिन का लाइनर है, और ये मैबलिन का लिक्विड लाइनर है। मुझे लिक्विड लाइनर ही ज़्यादा तो यूज़ करना पसंद है। लगाऊंगी हल्का सा मस्कारा, आईब्रो हाइलाइटर, हल्का सा हाइलाइटर। हाइलाइटर कैसे अप्लाई करना है, हाइलाइटर आपको आपके नोज पे, चिक्स के यहाँ अपर साइड, और हल्का सा आईब्रो के, और यदि आप हैवी लुक देना चाहते हैं तो आप फॉरहेड और चिन पे भी अप्लाई कर सकती हैं। क्योंकि ये हाइलाइटर भी
क्रीमी है इसलिए मैं इसको हाथ से अप्लाई कर रही हूँ। यदि आप पाउडर हाइलाइटर यूज़ करते हैं जिसको ब्रश पर अप्लाई करते हैं और अब मैं लगाऊंगी फाइनल लिपस्टिक। ये लिपस्टिक भी नामिंग न्यूयॉर्क की सेंसेशनल लिक्विड मैट लिपस्टिक है और ये मेरा फेवरेट शेड है। तो इस तरह से यहाँ मैं हो गई हूँ रेडी और ऐसे मैं रेगुलर उसमें रेडी हो जाती हूँ फटाफट। तो इस तरह से यदि आपने आज तक भी मेकअप नहीं किया है और आप बिगिनर हैं तो भी आप मेकअप कर सकते हैं और ये सिंपल से प्रोडक्ट को यूज़ करके आप एक ब्यूटीफुल सा लुक क्रिएट कर सकते हैं। और फिर वही बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी दिवाली को कलरफुल कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।